ओके सर। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। आज कुछ खास बनाने वाले हैं हम लोग। आज कुछ कॉन्टिनेंटल प्रिपरेशन बनाने वाले हैं जो आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। खासकर सैटरडे संडे का जब हॉलीडे होता है तो दिल करता है कुछ नया खाया जाए, कुछ ऐसी चीज खाई जाए जो हम रेगुलर नहीं खाते हैं। तो कॉन्टिनेंटल चीजें जो हम गूगल पे फोटोग्राफ्स देखते हैं हमें बहुत टेम्पटिंग लगती है, लेकिन हम वो बनाना नहीं जानते। दो इट इज वेरी सिंपल, इट इज प्रिटी सिंपल टू मेक दोज डिशेज। सो आई एम गोइंग टू टेल यू टू सच डिशेज टूडे विच आर वेरी हेल्दी, न्यूट्रिशियस, टेस्टी एंड दे लुक अमेजिंग। सो यू कैन इजिली प्रिपेयर देम एट योर होम। क्या बनाने जा रहे हैं ये बताता हूँ आपको। एक हम बनाएंगे इटालियन पुलाव। इटालियन पुलाव जिसको रिसोटो भी बोला जाता है, RISOTTO, इटालियन पुलाव बोल सकते हैं आप इसको। तो मशरूम डाल के इसको बनाएंगे। ये देखिए मेरे पास मशरूम पड़ा हुआ है, फ्रेश मशरूम ले लिया और राइस ले लिया। ये देखिए ये राइस है, तो राइस के साथ ऑलिव ऑयल, ये ऑलिव ऑयल ले लिया है थोड़ा सा। मेन इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रहा हूं मैं, क्या क्या यूज होता है रिसोटो बनाने के लिए। ये गार्लिक है और ये चॉप अनियन है, थोड़ा सा लेमन जूस हम लोग यूज करेंगे और थोड़ा सा कैप्सिकम यूज करेंगे। और साथ में वो देखिए वेजिटेबल्स आपको नजर आ रहे हैं, वहां पे कैरेट नजर आ रही है, बीन्स नजर आ रहा है, स्पिनच नजर आ रहा है और साथ में ये बेबी कॉर्न नजर आ रहा है। ये देखिए बेबी कॉर्न। हम क्या करने वाले हैं, हम इनसे एक सॉटेड वेजिटेबल बनाएंगे। सॉटेड वेजिटेबल जैसा आपने गूगल के फोटोग्राफ्स पे देखा है कॉन्टिनेंटल फूड के साथ अकम्पनीमेंट, तो इन वेजिटेबल्स को इस तरीके से ये देखिए लंबा लंबा बेटन्स में काट लिया है। ये बीन्स को लंबा लंबा बेटन्स में काट लिया है और साथ में इसी तरीके से इस कैरेट को भी काटने वाले हैं और स्पिनच को हमने श्रेड कर लिया है। ये देखिए पालक को श्रेड कर लिया है और साथ में मशरूम है जिसको हम लोग स्लाइस करने वाले हैं। इसको सॉटेड वेजिटेबल बोलते हैं, सॉटे करके बनाएंगे, ग्रिल भी कर सकते हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए हमारी तैयारियां चल रही है पुलाव बनाने के लिए, इटालियन पुलाव बनाने के लिए और साथ में सॉटेड वेजिटेबल्स बनाने के लिए। ये देखिए हमने चॉप करके गार्लिक रख दिया, अमूल चीज़ रख दिया और कैप्सिकम के बेटन्स बना के रख दिए। ये देखिए अमूल चीज़ बहुत ही बढ़िया चीज़ है यूज़ करने के लिए घर पे, वर्सेटाइल है, कई तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने ये स्पिनच को देखिए चॉप करके रखा हुआ है, ओनियन को चॉप किया है, ये ऑलिव ऑयल ले रखा है इस पॉट में और वाइट पेपर पाउडर है हमारे पास, ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये देखिए ब्लैक ऑलिव्स, इसको हम इटालियन पुलाव में यूज़ करने वाले हैं। साथ में ये कॉर्न है, ये देखिए आप स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास थाइम हो गया, कॉन्टिनेंटल हर्ब है और ये पार्सले हो गया, कॉन्टिनेंटल हर्ब। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमने वेजिटेबल्स को अच्छे से कटिंग कर लिया है और ये देखिए इसमें ब्लांचिंग हो रहा है कैरेट और बीन्स के बेटन का। कैरेट और बीन्स को जो लंबा लंबा काटा था उसका ब्लांचिंग हो रहा है, मींस हम बॉइलिंग वाटर में उसको सॉल्ट डालकर उबाल रहे हैं। और यहाँ पे चॉपिंग कर रहे हैं हम लोग रिसोटो के लिए। ये देखिए बीन्स को चॉप कर रहे हैं, बिल्कुल फाइन चॉप कर रहे हैं, कैरेट को फाइन चॉप कर दिया है और कैप्सिकम को भी फाइन चॉप किया जा रहा है। ये देखिए मशरूम को हमने स्लाइस कर लिया है रिसोटो के लिए। तो कैसे तैयार करेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें और तैयारी मुकम्मल होने के बाद ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सारी तैयारी हो चुकी है और अब स्टार्ट करते हैं रिसोटो बनाना, इटालियन पुलाव बनाना। और देखिए कितना लुत्फ आता है बनाने में और उससे भी ज्यादा लुत्फ आने वाला है जब उसको आप अपने दोस्तों के साथ टेस्ट करेंगे। बनाइएगा जरूर, आइए मेरे साथ। तो ये ले लिया मैंने ऑलिव ऑयल, ये डाल रहा हूं ऑलिव ऑयल। पॉट को आप मीडियम फ्लेम पे रखिए, ऑलिव ऑयल डालिए और थोड़ा सा बटर डालिए। ये देखिए आपके सामने 100 ग्राम बटर खुला हुआ है, तकरीबन 40 ग्राम बटर डाल दिया मैंने इसमें। और इसमें लैडर डाल के रखिए, लैडर कड़छी को बोलते हैं, कड़छी को इसमें डाल के रखिए। साथ में डाल रहा हूँ ये बेली, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च और लौंग, क्लोव, ठीक है। तो बेली, ब्लैक पेपर और क्लोव मैंने इसमें डाल दिया बटर और ऑलिव ऑयल के मिक्सचर में, एक फ्यूम आने के लिए, एक फ्लेवर आने के लिए ये चीजें डाली गई हैं। नेक्स्ट क्या डालेंगे, नेक्स्ट देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाऊंगा, बहुत इजी है। ये चॉप किया हुआ गार्लिक है, ये चॉप किया हुआ गार्लिक डाल दिया मैंने। ये देखिए क्या बना रहे हैं हम लोग, इटालियन पुलाव बना रहे हैं। तो इसमें मैंने ये गार्लिक डाल दिया,
उसके बाद गार्लिक को थोड़ा सा हमको सौते करना है। अब डिफरेंस क्या है इंडियन और इटालियन कुकिंग में, इंडियन में हम ब्राउनिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, लेकिन क्वांटिटी प्रिपरेशन जब भी हम करते हैं तो सौतेइंग की जाती है। सौतेइंग का मतलब है स्वेट करना इंग्रेडिएंट्स को, उनका फ्लेवर बाहर निकालना है हमको, उनको जलाना नहीं है, उनको ब्राउन नहीं करना है। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है, और ये जो हर्ब्स हैं ये काफी सेंसिटिव होते हैं, काफी लाइट होते हैं, इनका प्रयोग मैं बाद में करूंगा, थाइम और पार्सले। अगर अभी डाल दिया तो ये इनका फ्लेवर खत्म हो जाएगा और ये जल जाएंगे। तो ये गार्लिक हो रहा है, और गार्लिक होने के बाद ये देखिए, ये थोड़ा सा चॉप किया हुआ कैरेट, ये चॉप किया हुआ बीन्स, ये चॉप किया हुआ कैप्सिकम, ये तीनों ही चीजें इसमें डाल रहा हूं। ये देखिए, इससे एक और एडिशनल फ्लेवर आने वाला है, एक और एडिशनल फ्लेवर आने वाला है। और इसी के साथ ये चॉप किया हुआ ओनियन भी डाल देंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि वो चीजें ब्राउन हो जाए, जैसा कि मैंने समझाया इटालियन कुकिंग में आप सिर्फ सौतेइंग करते हैं, ब्राउनिंग नहीं करते। तो ये डाल दिया मैंने चॉप ओनियन, और इसको दिखाइए जरा कैसे पका रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इस समय, ये सारे फ्लेवर्स निकल के आ रहे हैं, सारे फ्लेवर्स का अरोमा आपको फील हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमने पार्सले डाल रहा हूँ थोड़ा सा, ये पार्सले डाल दिया तकरीबन हाफ टी स्पून पार्सले और हाफ टी स्पून थाइम, ये थाइम डाल दिया ये देखिए। और इसके बाद मैं डालूंगा इसमें हमारा मशरूम, मशरूम रिसोटो बन रहा है, मशरूम का पुलाव बन रहा है। तो मशरूम को स्लाइस करके केवल रखा हुआ है, स्लाइस किया हुआ मशरूम ये गया, ये देखिए ये गया स्लाइस किया हुआ मशरूम। और इसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट, ये गया नमक, ये देखिए नमक गया। तो ये डाल दिया मैंने सॉल्ट, और इसके बाद डालूंगा ये व्हाइट पेपर पाउडर, ये देखिए सफेद मिर्च का पाउडर। तो सफेद मिर्च का पाउडर क्यों यूज करेंगे, इटालियन कुकिंग है, ज्यादा स्पाइस नहीं चाहिए लेकिन फ्लेवर चाहिए। ये देखिए ये सफेद मिर्च का पाउडर डाल रहा हूं, ठीक है, ये तकरीबन आधा टीस्पून आप डाल दीजिए, हाफ टी स्पून। और ये सारी चीजें जब मिक्स हो गई तो इतना बढ़िया खुशबू आ रहा है, पास आके दिखाइए जरा, इतना बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। और इस स्टेज पे हम लोग ये श्रेड किया हुआ फ्रेश स्पिनच पालक ये इसमें डाल देते हैं, ये देखिए ये डाल दिया। अब आप बोलेंगे कि इंडियन कुकिंग में तो गोभी का पुलाव प्याज भून के बनाया जाता है, मटर गोभी का पुलाव, आलू मटर का पुलाव, तहरी बनाई जाती है, लेकिन ये क्या, इसमें तो पालक डल रहा है, मशरूम डल रहा है, कॉर्न डल रहा है, ये सारा कुछ इटालियन है और फ्लेवर्स भी इटालियन है, मसाले भी इटालियन है, इसलिए अलग ही टेस्ट आने वाला है। तीन ब्यूटीफुल येलो कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न बोलते हैं इसको, ये डाल दिया मैंने इसमें, ये देखिए एक और बढ़िया चीज डाल दी इसमें। और बाद हम डालेंगे अपना राइस, बढ़िया क्वालिटी का राइस यूज कीजिए आप, बढ़िया क्वालिटी का राइस, और उसको धो लीजिए अच्छे से, अच्छे से धोने के बाद उस राइस को इसमें डाल दीजिए। जितना बढ़िया क्वालिटी का राइस यूज करेंगे उतना बढ़िया पुलाव बनने वाला है। ये डाल दिया मैंने राइस, इसको मिक्स कर देंगे, हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि चावल टूटे ना, हल्के हाथों से मिक्स करें। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे पानी, ये देखिए जितना चावल उतना ही पानी। तो अगर आधा किलो चावल लिया आपने, आधा लीटर पानी डाल दीजिए इसमें। और पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैं सॉल्ट और डाल दूंगा, सॉल्ट को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगा। और ये देखिए कुछ खास डालने वाला हूँ, अमूल चीज ग्रेट किया हुआ, आपने पहले कभी देखा नहीं होगा पुलाव में अमूल चीज, ये देखिए पुलाव में गया अमूल चीज। और साथ में डालूंगा अमूल फ्रेश क्रीम, ये देखिए अमूल फ्रेश क्रीम। अब जब ये पुलाव पकने वाला है तो आप ही मानिए कैसा स्वाद, कैसा फ्लेवर और कैसी खुशबू छाने वाली है, आपके घर में, आपके पड़ोस में, हर जगह छाने वाली है। तो आप मजा उठाइए इस पुलाव का और बनाइए, अभी आगे देखते हैं, टेस्ट भी करके देखेंगे कैसा लगता है। जब तक हमारा स्पेशल खुशबूदार इटालियन पुलाव बनता है तब तक हम सौते वेजिटेबल बना लेते हैं। तो देखिए सौते वेजिटेबल बनाने के लिए ये पैन में बटर डाल दिया, 50 ग्राम बटर डाल दिया मैंने, और इसके बाद ये बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ये हम
गार्लिक डाल रहे हैं इसमें, देखिए मटर के साथ ही गार्लिक भी डाल दिया मैंने। सॉटेड वेजिटेबल बना रहे हैं। फोटोग्राफ में आपने देखा होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट में साथ में अकम्पनीमेंट के तौर पे कुछ वेजिटेबल्स रखे रहते हैं, वो स्टीम्ड वेजिटेबल्स होते हैं, बहुत नरिशिंग होते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। तो वो देखिए कितने इजीली आप घर में प्रिपेयर कर लेंगे और मजा आ जाएगा खा के। तो इस तरीके से ये गार्लिक डाल दिया और गार्लिक को बटर के साथ हम थोड़ा सा पकने देते हैं। बटर का जो फ्लेवर है वो गार्लिक में चला जाए और गार्लिक का फ्लेवर बटर में चला जाए तो क्या बात बन जाए, वही बात आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ये फ्लेवरफुल बटर बनने वाला है, गार्लिक के फ्लेवर वाला, और साथ ही में इसमें थोड़े से हर्ब डालेंगे, वही हर्ब जो हमने रिसोटो में डाले हैं, इटालियन पुलाव में डाले हैं। ये थोड़ा सा पार्सले जा रहा है, ये देखिए थोड़ा सा पार्सले डाल दिया मैंने और थोड़ा सा थाइम डालेंगे, ये रहा थाइम, थोड़ा सा थाइम। ये सारे फ्लेवर आपस में इमल्सिफाई हो जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और उसके बाद इसमें वेजिटेबल डालूंगा जिसको मुझे सौते करना है। तो ये देखिए हमने ऑलरेडी कैरेट और बीन्स को ब्रांच करके रखा हुआ है और थोड़े से सख्त हैं ये, हार्ड टू बाइट है, ऐसे ही होने चाहिए, जिस तरीके से हम लोग पास्ता पकाते हैं उसी तरीके से इसको आल डालते रखा हुआ है। और साथ में मैंने रखा है थोड़ा कैप्सिकम और कॉर्न, तो ये सारी ही चीजें इसमें डालूंगा। ये देखिए ये आप ब्लांच किया हुआ कॉर्न और कैप्सिकम, इसको आराम से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। आप इसमें हल्के हाथों से मिक्स करते हुए इसमें डाल रहे हैं व्हाइट पेपर पाउडर, ये देखिए व्हाइट पेपर पाउडर, और डालेंगे सॉल्ट, ये गया सॉल्ट, और साथ में ये देखिए ये स्पेशल स्पिनिच जो चॉप करके रखा था फ्रेश, ये फ्रेश स्पिनिच डाल दिया, इसको ब्लांच नहीं किया है। इसका जो क्रिस्पनेस है, जो कलर है, जो फ्लेवर है वो ऐसे ही आने वाला है। साथ में ये गया अमूल चीज, बस रुकिए मत, आप एक के बाद एक चीज डालते जाइए इसमें। ये गया अमूल चीज और इसके बाद डालेंगे कुछ ऑलिव्स, ये रहे मेरे पास ऑलिव्स, तो ये ऑलिव डाल रहा हूं, ये देखिए ये गए इसमें ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव है, आप ग्रीन ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। अरे जो खाना दिखने में खूबसूरत हो वो खाने में कितना बढ़िया होगा आप ये अंदाजा लगाइए। और इसके बाद थोड़ी सी क्रिस्पनेस क्रिएट करने के लिए, अगर आप ओनियन अवॉइड करते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप ओनियन मत डालिए, लेकिन अगर आप ओनियन के शौकीन हैं तो इस स्टेज पे आप ओनियन डालेंगे। आप देखिए ये कुछ उल्टी तरकीब दिखा रहा हूं मैं आपको, ओनियन लोग पहले पकाते हैं लेकिन यहाँ पे बाद में डाला जा रहा है, क्योंकि ओनियन का जो टेक्सचर है वो हमको क्रिस्प रखना है, उसको सॉफ्ट नहीं करना है, और इसलिए मैंने ओनियन को अभी डाला। और इसके बाद थोड़ा सा लेमन जूस, नाइफ, थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, ये रहा मेरे पास लेमन, ये देखिए ये डाल रहा हूं लेमन जूस। गैस को थोड़ा तेज कर लीजिए, गैस को तेज कर लीजिए। ये दिया लेमन जूस, एक नींबू डाल दिया मैंने इसमें, इस तरीके से डाल दिया, और ऑलरेडी ये सब पका हुआ है इसलिए हमको पकाने की जरूरत नहीं है। कितना खूबसूरत नजर आ रहा है आप ये देखिए, और बस इस स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे, ये सॉटेड वेजिटेबल कोई मेहमान घर पे आया और उसके सामने रख दिया तो बोलेगा क्या फाइव स्टार से मंगाया है क्या। तो ये देखिए आपके सामने सॉटेड वेजिटेबल आ गया, इसको आप नूडल्स के साथ, फ्राइड राइस के साथ, या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। ये रहा आपका सॉटेड वेजिटेबल विद चीज एंड लेमन, राइट, विद चीज एंड लेमन। ब्रोकली के शौकीन है, जुकनी के शौकीन है तो आप ब्रोकली और जुकनी भी इसमें डाल सकते हैं। अब ये तो कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं अपने इटालियन पुलाव की तरफ। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा इटालियन पुलाव, ये देखिए क्या खुशबू आ रही है, और एक एक दाना अलग, और आपके
फील हो रहा है कि इसके अंदर मशरूम है, कॉर्न है, कैरेट है, चीज है, ऑलिव्स है, ये सारी चीजें आपको फील हो रही है, महसूस हो रही है इसकी लाजवाब खुशबू से। तो देखिए आपके सामने निकाल के दिखाता हूं, ये देखिए कितना बेहतरीन नजर आ रहा है, ये देखिए। और ये पुलाव अगर आपने पेश कर दिया तो लोग हक्के बक्के रहने वाले हैं, दंग होने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं कि आपने कैसे ये पुलाव बनाया है। तो ये रहा आपके सामने पुलाव, अब आपको टेस्ट भी करके बताते हैं कि ये कैसा स्वाद है इसका। अब ये आपको टेस्ट करके बताएंगे होनहार बालक, होनहार स्टूडेंट जिन्होंने ये बनाया है वो खुद आपको टेस्ट करके बताएंगे पुलाव कैसा है, और साथ में स्टीम्ड वेजिटेबल जो सॉटेड वेजिटेबल है वो कैसा फील हो रहा है इसको खा के। तो बताइए कैसा लग रहा है। वाओ, वाकई बहुत ही टेस्टी फूड है जो भी बनाया हुआ है। इसमें जो रेसिपी है उसके एक एक कसारे का फ्लेवर आ रहा है, जिसमें वेजिटेबल जो शॉर्टेज है उनका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, प्लस उसका जो पुलाव है उनका भी बहुत ही अच्छा टेस्टी और खूबसूरत स्मेल आ रहा है जो फ्लेवर होता है। तो देखा आपने कितनी लाजवाब रेसिपी आपको सिखा दी हमने केवल 10 से 12 मिनट के वीडियो में, और इस वीडियो को अगर आप वायरल करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत मदद होगी मेरी और लोगों को जागरूकता मिलेगी कि कॉन्टिनेंटल फूड घर में कैसे तैयार किया जाए, कैसे उसका लुत्फ उठाया जाए। जैसे ये स्टूडेंट खा के बता रहा है इसका टेस्ट तो कभी इसने महसूस ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं था, तो आप भी यही महसूस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू वीडियो।